जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आप सभी आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आज हम आप सभी को इस वीडियो में यह बताने वाले हैं कि आप सभी को ये पता भी होगा कि 22 अप्रैल से आप सभी का आर्मी अग्निवीर का एग्जाम शुरू हो रहा है। तो इसका एडमिट कार्ड कब देखने को मिल सकता है, इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। और आप सभी को मैं यह बताने वाला हूँ कि आर्मी में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको तैयारी करना, जिससे आप सभी आर्मी अग्निवीर के एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओ। सारी चीज़ें मैं आप सबको बताने वाला हूं, तो वीडियो आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं यहां पे एग्जाम पैटर्न डिटेल्स फॉर द पोस्ट अग्निवीर, ठीक है। उसके बाद इन इंडियन आर्मी आर अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पे देखिए जनरल ड्यूटी, मैं बताने वाला हूँ आप सभी को जनरल ड्यूटी का, ठीक है। अगर आप जीडी के लिए फॉर्म भरे हो, आर्मी अग्निवीर जीडी का, तो आप सभी को बता दें कि पासिंग मार्क्स यहाँ पे 35% बताया गया है। 35 नंबर अगर आप सभी लेकर आते हो तो ये पासिंग मार्क यहाँ पे रखा गया है। आपका एग्जाम यहाँ पर 50 क्वेश्चन आते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का रहने वाला है। एक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर यहाँ पे मिलेगा, और 100 में से आप सभी अगर 35 नंबर लेकर आते हो तो आप सभी ये मिनिमम पास मार्किंग माना जाएगा। कम से कम ये 35 नंबर आपको लाना ही लाना होगा पास होने के लिए केवल, ठीक है, कट ऑफ के लिए नहीं। अब देखिए यहाँ बताया गया है कि मार्किंग, देखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया गया है कि आप सबको यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग अगर बात करें तो ये हो गया, लेकिन ये हो गया आपका मार्किंग, मतलब एक क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। उस प्रकार से अगर बात किया जाए यहाँ पर निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग 0.5 का यहाँ पर रहने वाला है। अगर बेसिकली बात की जाए यहाँ पर, तो ये नंबर अगर मैं लेकर चलूँ, मैं अगर नंबर लेकर चलूँ तो 1/4 का ही माना जाएगा, ठीक है। इसको लेकर आप बिल्कुल चिंतित मत रहिएगा। उसी प्रकार से अगर सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं तो जनरल नॉलेज आने वाला है 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, सॉरी दोस्तों 30 क्वेश्चन आएगा 60 नंबर का, ठीक है। उसी प्रकार से बात कर लेते हैं यहाँ पर जनरल साइंस आएगा 30 मार्क्स का, मतलब अगर बात किया जाए यहाँ पर तो ये 30 जो दिखा रहा है ना, ये 15 क्वेश्चन का 30 मार्क दिखा रहा है, मतलब 15 क्वेश्चन आप सभी का जीके आएगा, 15 क्वेश्चन आप सभी का साइंस आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर बात करें तो 15 क्वेश्चन आप सभी के मैथ आएंगे, और यहाँ पर बात करें तो 5 क्वेश्चन आप सभी का रीजनिंग के आने वाले हैं। और अगर टोटल बात की जाए 50 क्वेश्चन आएगा जो कि 100 नंबर के यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। टोटल देखिए यहाँ बताया गया है 50 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का रहने वाला है। ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आप सभी का टेक्निकल के लिए अगर आप फॉर्म भरे हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अग्निवीर इंडियन आर्मी की बेस्ट बुक मार्केट में आ चुका है चक्षु पब्लिकेशन का, जिससे आप सभी अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इस बुक में बात करें 100% आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को यहाँ पर तैयार किया गया है। बेस्ट प्रैक्टिस सेट आप सभी को इस बुक में मिल रहा है, 50 सॉल्व प्रैक्टिस सेट आप सभी को इस बुक में दिया जाएगा, 2400 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न आप सभी को इस बुक में मिल रहे हैं। इंडियन आर्मी अग्निवीर की 2024 की बेस्ट बुक चक्षु पब्लिकेशन का मार्केट में आ चुका है, आप सभी इस बुक से अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, चक्षु पब्लिकेशन का कॉम्बो पैक आ चुका है, जिसमें आप सभी को नर्सिंग सहायक, धर्म शिक्षक और साथ में जीडी, टेक्निकल, जितने भी पोस्टें हैं, क्लर्क की हो गई, ट्रेडमैन हो गई, सारी पुस्तकें आप सभी को चक्षु पब्लिकेशन का मार्केट में आ चुका है, आप सभी इसको परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ऑनलाइन माध्यम से परचेस कर लीजिए, या फिर आप सभी इसे अपने मार्केट से भी ऑफलाइन माध्यम से परचेस कर सकते हैं। आज सभी अगर आर्मी अग्निवीर टेक्निकल के लिए फॉर्म भरे हो तो यहाँ पर मिनिमम पासिंग मार्क बताया गया है 80 नंबर। अगर आप 80 नंबर लेकर आते हो सिर्फ आप सभी पास माने जाओगे, ठीक है। और यहाँ बताया गया है कि एक क्वेश्चन का आप सभी को यहाँ पर 4 नंबर दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1 नंबर है, ठीक है। अगर आप सभी अगर क्वेश्चन गलत करते हो तो आप सभी का 1 नंबर यहाँ पर काटा जाएगा, क्योंकि 1 नंबर का मतलब बात करें तो 1 क्वेश्चन का आपको यहाँ पर 4 नंबर दिया जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर 1 नंबर आपका काटे जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो जनरल अवेयरनेस आने वाला है 40 नंबर का, जो कि 20 क्वेश्चन रहेगा, थोड़ी दोस्तों 10 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन हम आपको नंबर ही बताते हैं, क्वेश्चन नहीं बता रहे, ठीक है। 40 नंबर का आपका यहाँ पर जनरल नॉलेज आएगा, मैथ आएगा 60 नंबर का, फिजिक्स आएगा 60 नंबर का, केमिस्ट्री आएगी 40 नंबर की। टोटल बात किया जाए तो 50 क्वेश्चन आएगा, 200 नंबर का रहने वाला है, मतलब एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कलर को लेकर। अगर आप कलर के लिए फॉर्म भरे हैं, फॉर्म अप्लाई कर दिया है, अगर आप सभी अग्निवीर आर्मी कलर के लिए फॉर्म भर दिए हो तो यहाँ पर मिनिमम पासिंग मार्क है 80 नंबर, ठीक है। उसी प्रकार से बात करें मार्किंग इसके यहाँ पर, तो एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पर 4 नंबर दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर भी 1 नंबर है। और सब्जेक्ट की बात किया जाए तो यहाँ पर जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, ये सारी चीज़ें बात करें तो ये यहाँ पर कंप्यूटर साइंस हो गया। उसके बाद देखें यहाँ पर पार्ट टू में आपका आएगा जनरल इंग्लिश,
टोटल अगर बात की जाती है इसमें भी आप सभी का 50 क्वेश्चन आएगा जो कि 200 नंबर का रहने वाला है। ये बातें भी यहाँ पे क्लियर होंगे, ठीक है। अगर आप सभी इसमें से किसी भी ट्रेड के लिए, मतलब जिस ट्रेड के लिए आपने आर्मी अग्निवीर का फॉर्म भरा है, चाहे टेक्निकल चाहे ट्रेडमैन किसी का भी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आप सभी का एग्जाम यहाँ पे 22 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है आप सभी को 17 से 18 अप्रैल के समथिंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मैं आप सबको यहाँ पे अप्रॉक्स करके बताऊँ तो 15 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल के बीच में आप सभी का कभी भी किसी भी वक्त आर्मी अग्निवीर का एडमिट कार्ड आर्मी की ऑफिशियली साइट पर देखने को मिलेगा। आप सभी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी आर्मी अग्निवीर में सिलेक्शन पा जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तैयारी कोई खास नहीं करना है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल साथ जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहीं से मैं आप सभी की तैयारी जो है बेहतरीन करवा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप सभी कमेंट करेंगे तभी मैं आप सबके लिए करवाऊंगा, बाकी अन्यथा मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। क्योंकि आर्मी अग्निवीर का जो तैयारी है बिल्कुल हल्के लेवल का होता है, उतना ज़्यादा हार्ड होता नहीं है। अगर आप स्टैटिक जीके भी पढ़ते हैं तो भी आप सभी आर्मी अग्निवीर का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बात रही मैथ को लेकर, तो मैथ भी यहाँ पर नॉर्मल ही आता है, देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस एवरेज प्रतिशत यहीं सारे से क्वेश्चन आते हैं, कोई खास यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट से क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आप सबको देखने को मिलते हैं, ठीक है। रीजनिंग के भी 5 ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप सभी थोड़ी भी तैयारी करेंगे तो रीजनिंग को भी क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। बहुत ही हल्के लेवल का पेपर होता है, इसी वजह से कट ऑफ भी हाई देखने को मिल जाता है क्योंकि एग्जाम पहले होता है। लेकिन आप मिनिमम पास मार्किंग लेकर आते हो तो दौड़ के लिए आप सबको हो सकता है बुला लिया जाए, और दौड़ के बाद आपका एक मेडिकल होगा, उसके बाद आप सभी का यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। इस प्रकार से आप सबकी यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहता है आर्मी अग्निवीर इंडियन आर्मी की, ठीक है। तो फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना, तैयारी आप सभी जोरों शोरों से कर दीजिए। 22 अप्रैल से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, 15 से 18 अप्रैल समथिंग यहाँ पे आप सभी को इसका एडमिट कार्ड देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी से, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।